करनाल साहब चौक स्थित तवक्कल हॉल में पुलिस ने 13 और 14 फरवरी के दरमियान रात में छापा मारा। हॉल में जुआ खेल रहे 26 जुआरियों से 8 मोबाइल, 75,000 रुपए नकद सहित करीब 1,45,000 रुपए का माल जब्त किया। तहसील के वरिष्ठ थानेदार जयेश भंडारकर ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि पकड़े गए सभी जुआरी तवक्कल हॉल में आयोजित एक शादी में शामिल होने आए थे। उन्हें जुआ खेलते हुए रात करीब 3:25 को पकड़ा गया। पकड़े गए जुआरियों में कुछ व्यवसायियों का समावेश बताया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तहसील के वरिष्ठ थानेदार जयेश भंडारकर सहयोगी के साथ 13 फरवरी को गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि नाल साहब चौक में तवक्कल हॉल में जुआ शुरू है। पुलिस का गश्ती दल तवक्कल हॉल में पहुंचा। हॉल का शटर बंद था, लेकिन अंदर से जोर जोर से लोगों के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। पुलिस ने दो गवाहों की मौजूदगी में हॉल का शटर खोलकर अंदर प्रवेश किया। हॉल में जुआ खेल रहे जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 14 फरवरी के पहेटे हमारा पतक पीएसआई काड़े हेड कांस्टेबल समीर शेख नजीर शेख ये मोमिनपुरा एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि मोमिनपुरा के नाल साहब चौक में जो तवक्कल सभागृह है वहाँ कुछ लोग जुआ खेलते हुए बैठे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमने हमारे हेड कांस्टेबल समीर शेख को अवगत कराया और उन्होंने तुरंत पीएसआई काड़े हेड कांस्टेबल समीर शेख हेमंत पराते सचिन नितनव ने और दो पंच लेके तवक्कल सभागृह नाल साहब चौक में रेड किया तो वह 26 लोग पैसे का अर्जित का जुगाड़ कर रहे थे, इसलिए उनको ताबे में लिया। उनके पास से करीब 75,000 की कैश मिली है और कुछ सामान मिले, ऐसा पूरा सामान कैश लेके उनको पुलिस स्टेशन में लाए और सभी आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन तहसील में क्राइम नंबर 165/221 सेक्शन 4(5) गैम्बलिंग एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की। उसमें करीब 1,45,250 रुपये का माल बरामद हुआ है और सभी आरोपी को हिरासत लेके पूरी कानूनी प्रक्रिया की गई है। गिरफ्तार जुआरियों में अब्दुल तनवीर अब्दुल मजीज, शुभम संजय मोहन्दे, समीर शेख, वकील अहमद समेत अन्य अपराधी शामिल है। इन सभी जुआरियों पर उप निरीक्षक गणेश कोले की शिकायत पर तहसील थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी के मार्गदर्शन में तहसील पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।